कैसे हैं आप लोग। मैं नंबर वन प्रॉपर्टी ग्रुप से धीरेंद्र सिन्हा आज फिर एक बार आया आपके लिए नए वीडियो लेके, और वो है हरसुख अपार्टमेंट सेक्टर 7, 3 बेडरूम का सुपर लग्जरियस काम किया हुआ। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, 2 इधर है और 2 इधर है। सामने आपका लिफ्ट है और हम चल रहे हैं 57 वाला नंबर है, और जो लॉक सिस्टम है ये एंट्री है, और हमारा जो लॉक सिस्टम है इसमें कोड भी है, लॉक सिस्टम भी है, चाबी भी नीचे लगते हैं एंड फिंगर लॉक भी है, पासवर्ड भी होता है। तो हम चलते अंदर एंड यहाँ पे देखिए हम ड्राइंग डाइनिंग में आ गए, और हम बड़ी दूर से आपको एक बार डिस्टेंस ऊपर दिखाएंगे, ऊपर का कमरा दिखा रहे हैं। और ये देखिए सामने बालकनी है, और ये हमारा ड्राइंग के एरिया है, ये ड्राइंग के एरिया है, और सामने बालकनी है। और बालकनी में चलते बालकनी का यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगेगा, सामने किचन है, किचन बाद में दिखाऊंगा, पहले बालकनी के देखा तो स्लाइडर लगा हुआ है, और बालकनी का जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह सब लग सकता है। फर्स्ट फ्लोर का है, और देख सकते हैं आपके बालकनी के व्यू। सोसाइटी का पार्क है, और बहुत ही मेंटेन सोसाइटी पार्क है, और जिसके अंदर जिम वगैरह सब कुछ है, और ये बच्चे खेल भी रहे हैं, बैडमिंटन कर रहे हैं। और ये सोसाइटी का बहुत ही अच्छा है, जिसके अंदर जिम वगैरह सब कुछ है, ग्रीन एरिया काफ़ी अच्छा है, और ये आपका यहाँ पे कॉर्नर का फ्लैट है। अब हम चलते बालकनी का साइज़ भी दिखा देता हूँ, ये देखिए बालकनी का साइज ये है, लोकेशन दिखा दी आपके बालकनी से पूरा दिखता है। और ये ड्राइंग डाइनिंग का साइज मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये सामने एंट्री है, और ये देखिए ड्राइंग डाइनिंग का साइज। अब हम किचन के सामने आ ही गए हैं, तो किचन दिखा ही दे, फुली लोडेड किचन है, और जैसे भी हमारी माता बहन का है कि सबसे इम्पोर्टेंट किचन है उनके लिए, क्योंकि उनका टाइम उस पर ज़्यादा देती हैं। तो किचन देखिए बहुत ही बेस्ट कलर किया गया है, स्काई ब्लू का कलर है, और आपको यहाँ पे चिमनी का है, और चिमनी बिल्कुल अनयूज है, ये देख सकते हैं अनयूज चिकन चिमनी है, गैस बर्नर लगा हुआ है, एडजस्ट फैन और चिमनी वगैरह सब कुछ का लगा हुआ है, और सुपर मॉडलर किचन है। और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल अनयूज्ड और फुल्ली मॉडलर किचन है, और देखिए ये फायर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, ना इसमें दीमक लगेगी, ना आपका पानी से ख़राब होगा, ना फायर से कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ये किचन है, ओपन किचन दिया गया है, और साथ ही आपका बालकनी है और ड्राइंग डाइनिंग है। तो हम फर्स्ट बेडरूम से शुरुआत करते हैं, और फर्स्ट फ्लोर एंट्री करते ही फर्स्ट बेडरूम है, और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, और सामने देख सकते हैं कवर्ड बना हुआ है, और कलर चॉइस तो जानते ही, जैसे हम फर्निश फ्लैट बनाते हैं कलर चॉइस बहुत ही नेचुरल कलर होता है, जो आंखों को नहीं चुभना था। ये हमारा रूम का साइज है, देखिए आप बेडरूम लगाने के बाद भी आपका साइज अच्छा खासा निकल जाता है। ये हमारा बेडरूम है, ऊपर का सारा काम किया हुआ है, एसी की वायरिंग वगैरह सब कुछ अटैच आपका ये बाथरूम है, जो अनयूज्ड है, एंड ये देख सकते हैं सारा सील पैक किया गया हुआ है, और हमने जो भी लगाया है जैकवार का फिटिंग है, ये देख सकते हैं जैकवार की फिटिंग है, और जो भी चीज़ है ब्रांडेड चीज़ है। और अंदर ये चीज़ बता दूं कि टाइल्स के पीछे भी हमने पाइप चेंज की है, और दीवारों के पीछे जो वायरिंग है ये भी चेंज हुआ है, तो कोई भी चीज़ पुराना नहीं है। तो आपको बेहिचक आप इसे ले सकते हो, क्योंकि आपको इसमें 10 साल 15 साल कुछ भी नहीं लगाना है, ना वायर की, ना टाइल्स का, ना किचन का, ना लाइट का, ना बाथरूम का, कुछ भी नहीं लगाना है, नेचुरल उसमें भरपूर है। अब हम दो रूम की एंट्री करते हैं, बीच में इस दो रूम के बीच में ये कॉरिडोर टाइप का है, एंड सामने हमारा एक बाथरूम है, और काफ़ी फैंटेस्टिक डिजाइन दिया गया है, छोटा है पर बहुत ही ज़बरदस्त है, हैंड वॉश के लिए भी दिया गया है। ये है आपका दूसरा बाथरूम, एंड हम ड्राइंग डाइनिंग के साथ हम सेकेंड बेडरूम में जा रहे हैं, और सेकेंड बेडरूम में चलते हैं और इसका रूम साइज वगैरह दिखाते हैं। रूम साइज देख से पहले मैं आपको वायरिंग वगैरह सब कुछ दिखा दूँ, कवर्ड बना हुआ है, और ये रूम साइज है, ये देखिए ये आपका रूम साइज हो गया, एंड जैसे कि वायरिंग आप देख सकते हैं हमने वायरिंग सारा चेंज कर रखा है, और यहाँ पे आपको सारा वायरिंग चेंज है, आपको कीबोर्ड बटन वगैरह जो भी है, एसी की वायरिंग, और बाहर से भी हमने वायरिंग छोड़ रखा है जिसमें आपको कुछ करना नहीं है। ये देखिए बाहर से ही वायरिंग पूरी है, और कवर्ड वगैरह बना हुआ है,
तो हमारा ये सेकेंड बेडरूम था एंड हम चलते हैं थर्ड बेडरूम में, ये हमारा तीसरा बेडरूम है और इंटर करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा बेडरूम के साथ ये थ्री बेडरूम थ्री बाथरूम का ये फ्लैट है और वेल फर्निश्ड है। और यहाँ से भी आपके विंडो से सामने पूरी पार्क दिखती है और ये जैसे जिम वगैरह सब कुछ है, ये देख सकते हैं जिम वगैरह है, पार्क है, बहुत ही मेंटेन पार्क है, दाने वाली सोसाइटी है, वेल मेंटेन सोसाइटी है, सेक्टर 7 पड़ता है और दिल्ली के पास बिल्कुल पड़ता है, द्वारका के बिल्कुल सेक्टर है, 7 सेक्टर है। और ये रूम साइज मैं दिखा रहा हूँ, हर बार की तरह कई लोग नहीं दिखाते होंगे। और इसके साथ अटैच ये बाथरूम है, आपके दो बेडरूम के साथ अटैच है, एक कॉमन है। और जैसे देख सकते हैं बाथरूम में भी आपको सारा काम किया हुआ है। तो दोस्तों हम सेक्टर 7 में थे, हर्षुक अपार्टमेंट, और सारा ए टू जेड काम किया गया है, जैसे टाइल्स की बात कर ले और इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की बात कर ले या यूपीसी की बात कर ले या किचन की बात कर ले या डोर की बात कर ले, मतलब ये कह लो कि फुल रूप से आपका सिर्फ ईंटें रह गए पुराने, बाकी सब कुछ टॉप क्लास के ब्रांडेड है और वो भी कंपनी टॉप जैकवार का, जैसे बाथरूम फिटिंग है, हर एक चीज़ हमने ब्रांडेड किया है। और जो भी हमने काम कराया, जिससे भी काम कराया, वो हमारे कम से कम आज तक 150-200 फ्लैट तैयार कर रखे हैं। तो वेल एक्सपीरियंस इंजीनियर इंटीरियर है, उनसे हमने काम कराया और बहुत ही शानदार है। थ्री बेडरूम थ्री बाथरूम का हर्षुक अपार्टमेंट सेक्टर 7 है, मेन रोड की सोसाइटी है, दाने वाली सोसाइटी है, पार्क है और पार्क में भी बहुत ही मेंटेन पार्क है, जैसे आप देख सकते हैं। और इस टाइम में ही बच्चे लोग खेल रहे हैं। और ये आपका बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है, लिफ्ट अगर बंद भी हो जाए तो पावर बैकअप है, 85% पावर बैकअप है, लिफ्ट बंद हो जाता है तो लिफ्ट भी आपको जरूरत नहीं करना पड़ता है। तो इस शानदार फ्लैट की आस्किंग क्या है, तो आस्किंग मात्र 2.5 करोड़ है। और ये 2.5 करोड़ घबराइए मत, नेगोशिएबल है, ठीक ठाक, बहुत ही अच्छा नेगोशिएबल प्राइस कराऊंगा और ऐसे शानदार वीडियो लेके आता रहूंगा, शानदार फ्लैट लेते आऊंगा और ऐसे कम बजट के हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपको बस इस वीडियो को देखने के लिए करना क्या है, सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नंबर पे कॉल कीजिए 9811038119, कॉल कीजिए। और नंबर 1 प्रॉपर्टी गुरु को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।